अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ओट्स मटन दलीम। इसके लिए हमें चाहिए, यह हाफ के जी मटन है, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके रखा है। ये 250 ग्राम्स ओट्स है, प्लेन ओट्स लिया है मैंने। और ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रखा है। ये 100 ग्राम्स दही है, मैंने फेंट के रखा है। इसके लिए हमें चाहिए ये 1 टी स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हम चेक करके डालेंगे नमक। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, ये 2 टेबलस्पून माश की दाल है, ये 2 टेबलस्पून मूंग की दाल है, ये 2 टेबलस्पून चने की दाल है, ये 2 टेबलस्पून मसूर की दाल। ये 1 बंच पुदीना है, 2 नींबू है, 6 से 8 हरी मिर्ची है, ये 1 बंच कोथमीर है, ये 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर है, ये 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला है, ये थोड़ी सी कबाब चीनी है, ये कंप्लीट गरम मसाला है, थोड़ी सी काजू और बादाम को मैंने फ्राई करके रखा। ये सभी दालों को मैंने मिक्सी में डाला है, मैंने इसे पहले से अच्छे से वॉश करके सुखा के रखा है। हम ये सभी दालों को थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, इससे हमारी ये दालें जल्दी से गल जाएंगी। अगर आप इसे ग्राइंड नहीं करना चाह रहे तो आप इसे 2 घंटे पहले भी भिगा कर आप ओट्स में मिला सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 3 टेबल स्पून तेल डाला है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, मैंने इसमें मटन ऐड किया है। अब हम दही डालेंगे, ऐड करूंगी नमक, थोड़े साबित गरम मसाले, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची। अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। ये पानी में मैंने साबित गरम मसाले डाले हैं थोड़े, ये 1 से 1.5 लीटर पानी है तकरीबन। अब हम इसे बॉईल होने देंगे, इसके बाद हम इसमें ओट्स डालेंगे। अब ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, अब हम इसमें ओट्स डालेंगे। अब इसे गलने तक हम पकाएंगे। ये ओट्स और ये मिक्स दाल सब अच्छे से गल गए हैं, गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम इसे मैश करेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे हम। अब हम इसमें मैश किया हुआ गोश्त मिक्स करेंगे हमारा, इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, काली मिर्ची, ये कबाब चीनी। अब हम इसमें इसी कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसलिए ही ऐड करेंगे हम, इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे हम, तो हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। अब ये 2 नींबू का रस डालेंगे हम, एक बार अच्छे से मैश करेंगे हम, फिर 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। मैंने डिश आउट कर लिया है, ओट्स मटन दलीम रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।